हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में 28 मार्च का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली न्यूज अफ्सपा को लेकर है। अफ्सपा का मतलब होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। अब ये अफ्सपा एक्ट इसलिए न्यूज में है क्योंकि जो सेंटर है उसने ये डिसाइड किया है कि जो डिस्टर्ब एरिया है नागालैंड, असम और मणिपुर में, उनके एरिया को अब धीरे धीरे डिक्रीज किया जाएगा फ्रॉम अप्रैल 1। हालांकि असम के 8 जिलों में फिलहाल के लिए 6 महीने के लिए जो डिस्टर्ब एरिया था उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, बट टारगेट यही है कि इसमें जो डिस्टर्ब एरिया है नागालैंड, असम और मणिपुर में, उन्हें धीरे धीरे रिड्यूस किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा उनका जुरिस्डिक्शन। तो हमें बेसिकली यहाँ पे अफ्सपा एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन क्या है बेसिकली, तो इसका जो डिस्टर्ब एरिया होता है वो सेक्शन 3 ऑफ अफ्सपा एक्ट, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958 के सेक्शन 3 में डिस्टर्ब एरिया को बताया गया है। डिस्टर्ब एरिया को ऐसे डिफाइन किया गया है जो कि डेंजरस हो या फिर वहां पर डिस्टर्ब सिचुएशन हो रही हो, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो या फिर कोई ऐसी एक्टिविटीज हो रही हो जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है। अभी डिस्टर्ब एरिया क्या होता है, ये या तो पूरा का पूरा स्टेट होता है, यूपी होता है, या उसका कुछ पार्ट होता है जहां पर ये डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जाता है। जहां पर ऐसी कंडीशन आ जाती है, आर्म फोर्सेस को जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें थोड़ी सी हेल्प देनी होगी, तभी जाके जो सिविल फंक्शन है वो ठीक से काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस डिस्टर्ब एरिया को डिक्लेयर कौन करता है, तो ये बेसिकली गवर्नर ऑफ स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर जो यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से भी ये डिक्लेयर कर सकती है डिस्टर्ब एरिया। उसे लगता है कि जो पर्टिकुलर स्टेट है या स्टेट का कुछ पार्ट है वहां पर जो एक्टिविटीज हो रही है वो काफी वायलेंट है और आर्म फोर्सेस को वहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प के लिए भेजना जरूरी है। अब इसका पर्पज क्या होता है, तो जब भी डिस्टर्ब एरिया किसी को डिक्लेयर किया जाता है किसी जगह को, तो इससे जो आर्म फोर्सेस है उन्हें स्पेशल पावर दे दी जाती है ताकि वो एक पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सके। इसमें आप 5 लोगों के ग्रुप में नहीं रह सकते, इसके बाद में आप बिना सर्च वारंट के किसी को भी तलाशी ले सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सामने वाला खतरा पैदा कर रहा है तो आप उसे फोर्स यूज कर सकते हो, गोली मार सकते हो। तो ये सारी पावर्स दी जाती है इस एक्ट के अंदर। आर्म फोर्स कैन यूज फोर्स, अरेस्ट विदाउट वारंट, सर्च विदाउट वारंट, शूट टू किल। तो ये सारी पावर्स दी जाती है इस अफ्सपा एक्ट में। और अभी तक जो अफ्सपा है वो कहाँ कहाँ से विड्रॉ कर लिया गया है, वो मेघालय से 2018 में विड्रॉ कर लिया गया था, त्रिपुरा से 2015 में और मिजोरम से 1980s में। और अभी किन किन स्टेट्स में अफ्सपा लागू है, एक तो नागालैंड में लागू है, असम में लागू है, मणिपुर में लागू है, जम्मू कश्मीर में लागू है और अरुणाचल प्रदेश में लागू है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ये फैक्ट आपसे कि अभी कहाँ पर अफ्सपा एक्ट हटा लिया गया है और कहाँ अभी भी अफ्सपा एक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप मैप के जरिए देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है। और क्या जरूरत पड़ती है हमें अफ्सपा की नॉर्थ ईस्ट में खासकर, एक तो जो आर्म फोर्स है उन्हें प्रोटेक्शन देना जरूरी है, तभी जाके वो फ्री एंड फेयर तरीके से वहां पर एक्शन ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। अदरवाइज उन्हें अगर प्रोसिक्यूशन का खतरा रहेगा तो वो भी ठीक से काम नहीं कर सकते। वहां पर किसी भी टेररिस्ट एक्टिविस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी उन्हें ये पावर दी जानी चाहिए, इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए, मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज में पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जाता है। तो अब चूंकि अफ्सपा एक्ट लगातार न्यूज में रहता है तो इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे, हमारी अगली न्यूज ओकस अरेंजमेंट को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है, दरअसल जनवरी में एक ऐसी न्यूज आई थी कि ब्रिटेन चाहता है कि ओकस में इंडिया को भी शामिल कर लिया जाए, बट अब डिप्लोमेटिक सोर्स से ये न्यूज आ रही है कि ओकस अरेंजमेंट जो है वो बेसिकली एक सबमरीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर है। इसमें जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो ये बता रहे कि इसमें इंडिया का कोई ज्यादा रोल है नहीं बेसिकली। हालांकि जैसे जैसे जो ओकस का जो दायरा होगा वो बढ़ेगा, खासकर अदर टेक्नोलॉजीज में जैसे कि साइबर टेक्नोलॉजीज, तब इंडिया को शायद शामिल किया जा सकता है, बट प्राइमरली ये जो ओकस अरेंजमेंट है ये सबमरीन को लेकर है। तो इस वजह से इंडिया का फिलहाल कोई स्टैंड नहीं है इस अरेंजमेंट में, या किसी भी प्रकार से इंडिया को शामिल करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। पहले ब्रिटेन ने ऐसी योजना बनाई थी कि इंडिया को उसमें शामिल करना चाहिए। तो बेसिकली न्यूज आपसे ओकस अरेंजमेंट के बारे में आ सकती है कि ओकस क्या है। तो बेसिकली ओकस 3 देशों का समूह है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। तो ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, जो 2021 में अनाउंस हुई थी फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। तो इस ओकस अरेंजमेंट में होगा क्या कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दी जाएंगी। अभी जो ऑस्ट्रेलिया यूज कर रही है सबमरीन वो डीजल इलेक्ट्रिक है जो धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं, तो उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए 8 सबमरीन की आवश्यकता है। तो इसमें अमेरिका क्या कर रहा है, 3 उस सबमरीन को वो बेचेगा और 5 जो सबमरीन होंगी वो यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन मिलके एक नई सबमरीन में काम करेंगे और 2040 तक ये ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल 8 सबमरीन बाय 2050 तक ऑस्ट्रेलिया के पास आ जाएंगी। हालांकि इस अरेंजमेंट के बाद फ्रांस काफी नाराज हो गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पहले प्लान ये था कि वो फ्रांस से ये सबमरीन लेगा, हालांकि वो न्यूक्लियर पावर नहीं थे, बट
ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लगता है कि अब उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन चाहिए अगर चाइना को काउंटर करना है, क्योंकि चाइना का जो अग्रेशन है वो पैसिफिक एरिया में बढ़ता जा रहा है, और जितने भी जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं वहां पर पहले ऑस्ट्रेलिया का ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस होता था, बट अब चाइना जो है वो उभर के आ रहा है, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को खतरा दिख रहा है उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में। तो चाइना के राइज को काउंटर करने के लिए उसे न्यूक्लियर पावर सबमरीन की आवश्यकता है ताकि वो चाइना के अग्रेशन को काउंटर कर सके। हालांकि ये जो पैक्ट होगा इसमें ये जो तीनों देश होंगे ये आपस में इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज करेंगे, साथ ही साथ साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमी, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, अंडरसी कैपेबिलिटीज, हाइपरसोनिक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इनोवेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग में भी काम करेंगे। तो यही बताया जा रहा है कि जब इसका फेज टू स्टार्ट होगा तब शायद इंडिया को इसमें शामिल किया जाएगा इन सब टेक्नोलॉजीज में डिस्कशन करने के लिए या शेयरिंग के लिए। ये जो एग्रीमेंट होगा ये सिमिलर होगा अन्य अरेंजमेंट जैसे कि फाइव आइज, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव, एशियन और क्वाड के जैसे। ऑकस का मेन एम ये है कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है वहां पर फ्रीडम और ओपननेस मेंटेन रहे उस सी में, खासकर इंक्लूडिंग द साउथ चाइना सी जहाँ पर चाइना काफी एग्रेसिव है। तो ये हमें ऑकस के बारे में पता होना चाहिए। ऑकस एक बेसिकली एक सबमरीन टेक्नोलॉजी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 8 सबमरीन देनी है। इसमें 3 देश पार्टिसिपेंट्स हैं, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, थर्ड है यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 3 देश हैं जो आपस में न्यूक्लियर पावर सबमरीन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे, एक नई सबमरीन भी डेवलप करेंगे, साथ साथ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी की जाएगी और अन्य टेक्नोलॉजीज पर भी काम किया जाएगा। बट इसमें जो सबमरीन मिलेंगी वो ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगी, टोटल 8 सबमरीन मिलेंगी ऑस्ट्रेलिया को। सिमिलरली क्वाड में कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये 2007 में बनी थी ताकि चाइना के राइस को काउंटर किया जा सके। इसके बाद में फाइव आइज में कौन कौन आते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म है जिसमें जो आपस में 5 कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करती है, खासकर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। ये न्यूज में तब आई थी जब जो न्यूजीलैंड की टीम थी वो पाकिस्तान से वापस आ गई थी, क्योंकि वहां पे इंटेलिजेंस दी गई थी कि उन पे अटैक हो सकता है। तो कोई सा भी अरेंजमेंट आईआर को लेकर यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे, हमारी अगली न्यूज वन वेब सेटेलाइट्स को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है? दरअसल इसरो ने वन वेब सेटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जीएसएलवी Mk3 लॉन्च व्हीकल Mk3 का यूज किया, और ये इसरो का अब तक का सबसे हेवीएस्ट पेलोड रॉकेट है जिसके जरिए इसरो ने 36 वनवेब सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट पे प्लेस किया है। ये जो लॉन्च व्हीकल Mk3 था ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से, और इस पूरे मिशन का नाम था वन वेब इंडिया वन मिशन। ये इसका सेकेंड स्टेज था क्योंकि पहले भी इंडिया ने इसरो ने वन वेब के 36 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट पे प्लेस किया है, बट यहाँ पर हमें जीएसएलवी Mk3 के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये अब तक का इसरो का सबसे हेवीएस्ट पेलोड रॉकेट है। इसमें 2 सॉलिड प्रोपेलेंट लगे हुए हैं और ये जो रॉकेट है ये 640 टन तक भार उठा सकता है। तो यूपीएससी में ऐसे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसमें 2 सॉलिड प्रोपेलेंट है और इसमें 640 टन का जो वजन है वो ये उठा सकता है। अगर हम वन वेब इंडिया वन मिशन की बात करें तो ये यूके का मिशन है जिसमें इंडिया की कंपनी ने भी इन्वेस्ट कर रखा है, जिसका टारगेट है टोटल 72 सेटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट पे प्लेस करना। इस पूरे वन वेब मिशन का जो एम है वो स्पेस बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करना। फिलहाल ये जो कंपनी है वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है, बट इस साल के एंड में शायद इंडिया में भी स्पेस बेस्ड इंटरनेट आपको मिलने लगेगा, ताकि जो गाँव गाँव में जो रिमोट एरिया है वहां पर भी हम एक इफेक्टिव जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड कर सके अफोर्डेबल। तो इसके जरिए 36 सेटेलाइट्स को लॉन्च किया गया, टोटल 72 सेटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं जिनका टोटल वेट था 5805 kg। तो आपको लॉन्च व्हीकल Mk3 के बारे में पता होना चाहिए और वन वे मिशन के बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे, हमारी अगली न्यूज नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम को लेकर है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम NRCP, ताकि जो रेबीज है उसे प्रिवेंट किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। अब बेसिकली रेबीज है क्या? तो एक टाइप का वायरल डिजीज है जो कि डॉग्स हैं, बिल्ली है, बंदर है, इनके जो लार में वो रेबीज का वायरस होता है, तो इनके काटने से इंसानों को रेबीज हो सकता है। ये एक टाइप का आरएनए वायरस होता है, बट 99% ये जो रेबीज होता है ये डॉग्स के बाइट से ही होता है, और रेबीज से डेथ भी हो सकती है, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपको 3-4 दिन में या कभी कभी एक साल में भी अपेयर हो सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? इसमें जो वुंड होता है उसे पहले वॉश किया जाता है, उसके बाद आपको रेबीज वैक्सीन दी जाती है। WHO के डाटा के मुताबिक हर 9 मिनट में एक डेथ होती है ड्यू टू रेबीज, और ये जो 33% जो डेथ होती है रेबीज की उसका जो 33% होता है वो इंडिया में होता है। तो इंडिया में भी रेबीज के केस काफी ज्यादा देखे जाते हैं, और इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है अगर हम जो डॉग्स का वैक्सीनेशन है उसे इम्पोर्टेंस दें, तो रेबीज को 100% प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये WHO के कुछ रिकमेंडेशन है।
बट हमें यहाँ पर नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम एनआरसीपी के कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए। इसमें रेबीज वैक्सीन और जो रेबीज इम्यूनो ग्लोबुलिन है उसे प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू नेशनल फ्री ड्रग इनिशिएटिव। साथ ही साथ ट्रेनिंग दी जाएगी एनिमल बाइट मैनेजमेंट में, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज, सर्विलेंस पर ध्यान दिया जाएगा, इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेट किया जाएगा डिफरेंट एजेंसीज के बीच में। इसके बाद में जो एनिमल बाइट्स के सर्विलेंस है, जो केसेस हैं उनको सर्विलेंस पर रखा जाएगा, और जो रेबीज डेथ होती है उनको रिपोर्ट किया जाएगा, और एक अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी ताकि रेबीज के प्रॉब्लम को प्रिवेंट किया जा सके। तो बेसिकली यूपीएससी आपसे रेबीज के बारे में पूछ सकती है कि किससे होता है, और इसके कुछ बेसिक फैक्ट आ सकते हैं, और या फिर नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2019 के प्रीलिम्स से पूछा था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर कंट्रीब्यूटर टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। तो इनमें से जो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे करेंसी क्राइसिस के खतरे को कम कर सकता है। तो ऑप्शन क्या है, फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडिया आईटी सेक्टर। अगर हमारा इंडिया का आईटी सेक्टर फॉरेन करेंसी अर्न करता है तो इसका मतलब जो डॉलर आता है वो हमारे कंट्री में आता है, तो इससे हमारी करेंसी क्राइसिस को हेल्प मिलेगी। तो ये ऑप्शन सही हो गया। सेकेंड है इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इससे हमारी करेंसी पे दबाव होगा, वो डीवैल्यू होगी, तो इससे हमें करेंसी क्राइसिस देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड है रेमिटेंस फ्रॉम इंडियंस अब्रोड। अगर रेमिटेंस आता है तो डॉलर हमारी इकोनॉमी में आता है, तो इससे हमारी करेंसी क्राइसिस को दूर करने में हेल्प मिलेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 1 एंड 3 ओनली। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।